हमारे विचार ही हैं जो हमारे पूरी जिंदगी को एक दिशा देते हैं। पर कब ये विचार आता है, मन में घर कर जाता है और हमारे वास्तविक जीवन को बदल जाता है, हमें पता तक नहीं चलता। इसीलिए आज हम अपनी जागरूकता पर अपने विचारों को जानने के लिए ध्यान लगाएंगे। एक विचार में बहुत शक्ति होती है। कहते हैं जैसे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, उसी तरीके से एक विचार आप में वो सारी शक्ति भर सकता है जिससे आप इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उसी तरह कोई विचार आपके अंदर डर और शक भी इस तरीके से भर सकता है कि आप चाहकर भी अपने अंदर किसी तरह की अच्छाई नहीं ढूंढ सकते, पर हकीकत में उसके अंदर किसी तरह की सच्चाई नहीं होती। और आज हम ध्यान में बैठकर अपनी इस शक्ति को अपने अंदर जागरूक करेंगे और एक जागरूक जीवन से आज के बाद जिंदा दिली से जिएंगे। तो ध्यान करने के लिए एक आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं, कमर सीधी रखें, हाथों को अपनी गोद में रख लें, दोनों अंगूठों को आपस में जोड़ लें, अपनी आंखें बंद करें और एक लंबी गहरी सांस पूरे शरीर में भरने दीजिए और इसे एक सेकंड के लिए रोकिए और अब धीरे धीरे मुंह से सांस को छोड़ते जाइए। जैसे सांस बाहर आए वैसे वैसे अपने कंधों को ढीला करते जाएं। एक और लंबी गहरी सांस भरिए, रोकिए इसे और अब मुंह से सांस छोड़ते जाएं। और एक और बार लंबी गहरी सांस भर के इसे रोक लीजिए और अब सांस मुंह से छोड़ दीजिए। और जैसे ये सांस बाहर जाती है अपने शरीर को ढीला होने दीजिए, हल्का होने दीजिए। किसी भी तरह का तनाव आपने समाया हो अपने शरीर में उसे अब गुजर जाने दीजिए। अपना ध्यान अपने दोनों पैरों पर ले जाएं, पैरों में हो रहे किसी भी तरह के तनाव को देखें और अगली सांस छोड़ते हुए इसे बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपनी टांगों में, मांसपेशियों में, हड्डियों में देखें किस तरह का भारीपन है और एक लंबी गहरी सांस इस हिस्से में भर लीजिए और अगली सांस छोड़ते हुए इसे बिल्कुल आरामदायक स्थिति में आ जाने दीजिए। हर सांस पर शरीर को और ढीला छोड़ते जाइए और आरामदायक स्थिति में जाते रहिए। अब अपना ध्यान अपने कमर के निचले हिस्से पर ले जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी के ठीक शुरुआत पे, और इस हिस्से को आरामदायक तरीके से ढीला छोड़ दें। किसी भी तरह का तनाव यहाँ पे पूरे दिन से आया हो उसको जाने दें। लंबी गहरी सांस भरते हुए पेट के ऊपरी भाग में ध्यान दें। यहाँ पे स्थित सारे अंगों को अब अगली सांस के साथ ढीला छोड़ दें। अपना ध्यान अपनी धड़कन पर ले जाएं, अपने फेफड़ों पर ले जाएं, कंधों पर ले जाएं और एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए इस हिस्से को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। बिल्कुल आरामदायक स्थिति में बहने दें, पिघलने दें किसी भी तरह का तनाव जो यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। अब अपना ध्यान अपने बाजुओं पर ले जाएं, अपने हाथों पर ले जाएं, कोहनी पर, हथेलियों पे, और देखें कि यहाँ पर किसी भी तरह का तनाव बसा जो हुआ है वो अब धीरे धीरे पिघल रहा है और हाथों से बाहर की तरफ जाए जा रहा है। अब अपना ध्यान अपनी गर्दन पर, अपने गले पर ले जाएं, अपने गले को ढीला छोड़ दें। ज़्यादा बातें करने से हुए किसी भी तनाव को इस हिस्से में महसूस करें और अब उसको जाने दें। इजाज़त दें कि कोई भी तनाव, कोई भी भाव जो आपको तकलीफ़ दे रहा है और यहाँ बसा हुआ है अब वो धीरे धीरे पिघल रहा है, उसको इजाज़त दें कि वो
आपके शरीर को छोड़ दे, अपना ध्यान अपने जबड़े पर, अपने चेहरे पर ले जाएं, दांतों को ढीला छोड़ दे, चेहरे में एक खुलापन महसूस करें, जिससे कि इस दुनिया की जो भी अपार शक्ति आप सांस के जरिए अंदर भर रहे हैं, वो आपके चेहरे को और रोशन और खुला हुआ सा बना रही है। अपना ध्यान अपने कानों पे, माथे पर ले जाएं। यहाँ पर सारी मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें और देखें कि सांस कितनी आसानी से इस पूरे हिस्से में फैल रही है और एक खूबसूरत सा शांत सा माहौल बना रही है। दिमाग की सारी गतिविधियां शांत होने लगी हैं, बिल्कुल शांत होने लगी हैं। अपनी आंखों को और आंखों के आसपास की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। आंखों को और गहराई से और अच्छे तरीके से बंद होने दें, जिससे कि अब आंखें सिर्फ अंदर की तरफ देखे, अंदर की तरफ झांके। सांस निरंतर चलने दें अंदर और बाहर। कभी भी आपका ध्यान भटके तो अपना ध्यान अपनी नाक के इस हिस्से पर ले आए और देखिए कि किस तरह से सांस अंदर और बाहर जा रही है। मेरी आवाज से जुड़े रहें। और अब अपनी अगली सांस के साथ देखिए कि कोई भी विचार अगर शरीर में उगता है तो वो कहाँ पर बनता है। क्या वो आपके दिमाग में बन रहा है या आपके दिल में? शरीर के किस हिस्से में वो विचार बन रहा है? एक बार जब आप उस हिस्से को देख पा रहे हैं, फिर एक सफेद रंग के प्रकाश को अपनी सांस से भरते हुए उस हिस्से तक ले जाएं और उस हिस्से को पूरी तरह उज्जवल होने दें। अब यहां पर आज हम देखेंगे कि कौन से हमारे विचार हैं जो हमारे जीवन को दिशा दे रहे हैं। धीरे धीरे हम अपने विचारों से जागरूक होना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हम अपने शरीर के बारे में क्या सोचते हैं। तो एक लंबी गहरी सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए क्या विचार सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि आपका शरीर कैसा है? अगर किसी भी तरह का नकारात्मक विचार आपके अंदर आया है तो उस विचार को अब अपने सामने रखें और शरीर से धीरे धीरे दूर जाता हुआ देखें और निरंतर कहते रहें, ये मेरा सच नहीं है, ये मेरा अतीत है, ये मेरा सच नहीं है, ये मेरा अतीत है, ये मेरा सच नहीं है, ये मेरा अतीत है। एक और लंबी गहरी सांस भरिए और अब देखिए कि किस तरह से इस विचार की शक्ति कमजोर हो गई है। आपका दिमाग विस्तृत होता जा रहा है। इस संसार के सभी लोग, परिस्थितियां अब आपकी जिंदगी में नया योगदान देंगे और आप अपने विचारों के मालिक बनकर अपने जीवन को एक नई दिशा देंगे। कुछ पल सांस पर ध्यान रखते रहें। देखिए कि रीढ़ की हड्डी किस तरह से सीधी हो गई है, कंधे कितने ढीले और आरामदायक स्थिति में हैं, चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान यही दर्शाती है कि आप हर पल अपने विचार चुन रहे हैं, अपना कल चुन रहे हैं, अपने जीवन को एक नई और खुशहाल दिशा दे रहे हैं। इस शक्ति को अब अपने अंदर समाते हुए धीरे धीरे अब हम अपने जीवन में वापस आएंगे और आज पूरे दिन हम इसी सोच से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। अपने ध्यान को खुद में वापस लाते हुए, आसपास की परिस्थितियों से जुड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को जगाएंगे हम
अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए और आप इसे अपनी आंखों पर रखते हुए आंखें खोलिए। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है।